हर अनुभव पर आशा की विजय हो जाती है। कारण कारण आशा लगी रहती है इस मन के अंदर, आज ठीक नहीं हुआ कल ठीक होगा, और समय चाहिए परसों ठीक होगा, आगे ठीक होगा। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई, बहुत ज्यादा झगड़ालू थी, हर समय लड़ाई करती रहती थी, और सब रिश्ते नाते मित्र दोस्त आ रहे आते ही हैं, वो कह रहे कि बड़ा परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा की, क्योंकि मित्र लोग मजाक करते हैं और जो सच बोलते हैं मजाक मजाक में सच नजर आने लगता है। एक मित्र आया, उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बढ़िया किया परमात्मा ने, तुम्हारी पत्नी चली गई, बड़ा कलेश करती थी, बड़ी परेशान करती थी, परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली, अब दोबारा शादी मत कराना। लेकिन वो बड़ा आश्चर्य में हो रहा, वो कह रहा कि नहीं, शायद कर्म के अंदर ये ही लिखा हो कि इसका सुख न हो, जो दूसरी आएगी वो मुझे सुख देगी। अनुभव बड़ा कड़वा है, बड़ा कड़वा अनुभव है। हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि पहली वाली दुख दे रही है तो दूसरी वाली सुख देगी। अनुभव अलग कह रहा है, लेकिन जो उसके अंदर आशा छिपी हुई है, पाने की आशा, चाहत की आशा, वो उसे भ्रमित कर रही है, उसे दूसरी दिशा दे रही है, उसे दूसरी ओर ले जा रही है। इसी प्रकार से उस परमात्मा का रस है, उसके नाम का रस है, उसकी ताकत का रस है। हम ये चाहते हैं कैसे ही परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें उसके अंदर उतरना ही पड़ेगा, उसके अंदर खोना ही पड़ेगा, इस तरह से नहीं प्राप्त हो पाएगा। एक बार एक तैरना सीखने के लिए जाने लगा, उन्होंने कहा कि मुझे तैरना सीखना है, अच्छे तैराक की तलाश की, अच्छा तैराक ढूंढा और उसको समर्पण कर दिया कि मुझे तैरना सिखा दीजिए आप, और मुझे आपसे सीखना है। वो लेकर के गया नदी के अंदर, जो ही नदी के अंदर उन्होंने पैर रखा, वहां सीढ़ियां थी, वो बड़ी चिकनाई युक्त थी, वो चिकनी हो गई थी जल के कारण से, तो चिकनी हो गई थी, जो ही पैर रखा पैर फिसल गया, नदी के अंदर गिरने की बजाय वो सीढ़ियों के ऊपर ही गिर गया, भागा वापस निकल करके, अरे अगर नदी की तरफ गिर जाता तो मैं डूब भी जाता, और आज तो राम नाम सत्य ही हो गया होता। तो वापस भाग आया घर पे कि अब मैं जब तक मुझे तैरना नहीं आ जाएगा तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक वहां नहीं जाएगा जल के अंदर तैरना कैसे आएगा, कैसे सीख सकता है चारपाई के ऊपर बैठ करके तैरना, कोई कैसे फर्श के ऊपर लेट करके तैरना सीख सकता है, कोई कैसे गाड़ी के अंदर बैठ करके तैरना सीख सकता है। अगर तैरना है तो जल के अंदर तो उतरना ही होगा, और जो जल के अंदर नहीं उतरा उसे तैरना नहीं आ सकता, कितने भी कोशिश करता रहे, कितना भी खोजता रहे, नहीं आ पाएगा। कारण है, कारण ये है कि अनुभव नहीं हो पाएगा। एक मुर्दा आपने देखा होगी लाश तैरती हुई, वो तैरता रहता है, जब तक हम हाथ पैर मारते हैं तब तक डूबने की कोशिश रहती है, लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं तो देखते हैं जो जैसा जिस तरह से चलता है बहता चला जाता है और ऊपर तैरने लगता है। कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन तैरने का एक बड़ा आश्चर्य में खेल है। आप कोई भी भाषा सीखिए, कोई भी काम सीखिए, कोई भी कार्य कीजिए, अगर आपने वो 10-20 वर्ष बंद कर दिया फिर आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन आपने अगर एक बार तैरना सीख लिया तो सीख लिया। अगर आप 50 वर्ष बाद भी नदी के अंदर उतार दिया जाए तो एक पल में आप तैरने लगेंगे, कुछ भी देर नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि वो स्वाभाविक है, सबको आता है, बस थोड़ा को कुछ बेढंगा होता है, ढंग से आता है। कुछ लोग डूबता बिना तैरना आने के कारण लोग नहीं डूबते, लोग डूबते हैं भय के कारण,
अंदर में भय उत्पन्न हो जाता है। लोग डूबते हैं थकावट के कारण, लोग डूबते हैं मन के कारण, लेकिन ऐसा नहीं कि तैरना न आए और डूब गया, क्योंकि हर जीव हाथ पैर मारता है। जब वो पशु तक भी तैर जाते हैं, ये तो जीव है, ये तो इंसान है, ये तो मनुष्य है, लेकिन वो तैरना नहीं कि कोई कहे क्या मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ और आपके सामने पुस्तक खोल करके बैठ जाए और उसके अंदर लेकर पढ़ाता रहे, आपको सिखाता रहे, लिखाता रहे और बार 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 दिखाता रहे इस तरह से तैरना है। आप नहीं तैर पाएंगे, बल्कि आप भटकते चले जाएंगे और दूर होते चले जाएंगे उस तैरने से। अगर आपको तैरना है तो जल के अंदर तो उतरना ही होगा। अगर जल के अंदर नहीं उतर पाए तो तैर नहीं पाएंगे, चाहे कितने भी वर्ष लग जाएं, कितना भी समय लग जाए। गणित के लिए अच्छा है पहले सीखना चाहिए फिर करना चाहिए, तर्क के लिए भी अच्छा है कि पहले सीखना चाहिए फिर जल के अंदर उतरना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो यही है कि अभ्यास जल के अंदर ही होगा, जल के बिना अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो आप उसकी तलाश कीजिए जो आपको शास्त्रों के अंदर नहीं जीवन के अंदर ले जा करके उतार सके। उसकी तलाश कीजिए जो आपको पुस्तकों के अंदर नहीं आपको अनुभव के अंदर उतार सके। जब तक आप उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसकी तलाश नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके साथ कोई ऐसा तैराक नहीं होगा, जब तक क्योंकि भाव श्रद्धा प्रेम शरणागति ये सबसे बड़े आपको लगता होगा कि मैं हर बार इन्हीं शब्दों का बार बार क्यों प्रयोग करता हूँ, लेकिन जब ये शब्द आपके पूर्ण हो जाएंगे और जब ये आपका कार्य पूरा हो जाएगा फिर कुछ भी शेष नहीं होगा, फिर तो सब काम होता चला जाएगा और उस परमात्मा का रस आप लेने लगेंगे। जो संसार का जो कड़वा अनुभव है, संसार के जो कड़वे रस है, संसार के जो कड़वे वासनाएं हैं, उसे दूर होते हुए उस परमात्मा के उस आनंद के उस परम चेतन के उस रस के अंदर आप